हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमारी फाइव टेक्निक्स हैं जो हमें पढ़नी है, जिसमें से एक जो कैटेगरी है वो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक की कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो हमारी डिस्काउंटिंग मेथड्स की है। ठीक है, नॉन डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग मेथड में क्या फर्क है? डिस्काउंटिंग मेथड में हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिस्काउंटिंग में हमने पढ़ा था, डिस्काउंटिंग में क्या कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी हमें रिटर्न मिलेगा या जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करके, डिस्काउंटिंग मेथड्स का यूज करके, पीवी फैक्टर्स का यूज करके उसको हम एनालाइज करते हैं कि वो हमारा मेथड हमारा सही है या नहीं, मतलब हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड वो मेथड है था जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इनफ्लो आ रहा है और आउटफ्लो हो रहा है उसे एज इट इज कंसिडर करते हैं, उसमें हम कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखते हैं, उसमें कोई टाइम फैक्टर को हम नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पैसा आज मिल रहा है और जो पैसा 10 साल बाद मिलेगा नॉन डिस्काउंटिंग मेथड में, वो दोनों इक्वल लग है। ठीक है, लेकिन डिस्काउंटिंग मेथड में क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसिडरेशन होता है, जो पैसा हमें आज मिल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है उससे। ठीक है, तो इसमें हम डिस्काउंटिंग मेथड्स यूज करते हैं। तो इसमें जो नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है उसका हमने एक पढ़ लिया था पे बैक पीरियड मेथड, और एक पढ़ लिया था नॉन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और एक हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक और मेथड पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, तो वो इन दोनों का जो है एडिशन है, दोनों को एक मतलब दोनों को जो है दोनों फैक्टर्स को दोनों मेथड्स को यूज करके एक नया मेथड बनाया गया है कि हमारी जिससे जो है दोनों की कमियां जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो हमारा पे बैक पीरियड भी हो जाता है और वो फिर डिस्काउंटेड भी हो जाता है, तो उसको हम दोनों को मिला के डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेथड जो है हमने वो पिछली क्लास में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड तो ये तीन मेथड्स हमने पिछली क्लास में हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हमें बाकी जो है मेथड्स वो करने हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो बीच बीच में जैसे जैसे आएंगे मैं वो क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं अटेंडेंस कितने लोग की हो गई है कितने की नहीं हुई। थर्टी रेस्पॉन्सेज अभी हमारे आए हैं, 30 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हुई है, बाकी की नहीं हुई है, तो बाकी लोग भी जो है वो क्लास शुरू करने से पहले कर ही लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में फिर वो करेंगे तो उनका टॉपिक जो है वो मिस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बाकी तो नाम भी आएंगे, 31 हो गए हैं। रितिका कुमारी, क्या दो है रितिका कुमारी? रितिका कुमारी तुमने डबल कर दी है। ठीक है, एग्जाम रोल नंबर है लास्ट के 3 डिजिट 072। किसका है 072? सर मेरा गलती से हो गया डबल। अच्छा ठीक है, नेम है रितिका कुमारी। बाकी कोई ऐसा जिसको नहीं फिल कर पा रहा है जो?
कोई लोग जो है एक्सिट मत करना, क्योंकि फिर बीच में मैं दूसरे तरीकों से अटेंडेंस लूंगा, वेरीफाई होगी फिर, वरना फिर लगेगी नहीं अटेंडेंस, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं आगे। तो मैं ये कह रहा था कि हम एक ऑनलाइन क्लास भी जो कर रहे हैं, तो अभी उसमें हमारा रिस्क एंड रिटर्न चल रहा है, उसके बाद हम ये वाला जो है शुरू करेंगे कैपिटल बजटिंग। तो जिनको ये क्लियर नहीं है पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है, तो बेहतर होगा कि उसमें क्लियर कर लें वो लोग। बताओ क्या कहते हो? या आज ही उसको क्लियर करना है उसको भी? चलो शुरू कर लेते हैं, हम आगे कर लेते हैं। बाकी ये जो है इसका थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू आप लोग को दे दूंगा, अगर उसमें कोई क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, तो उस पे को आप पूछ लेना, ठीक है। और मैं जैसे जैसे बीच में आएगा थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बाकी जो है आप लोग एक्स्ट्रा क्लास में वो चीज कर लेना। अब सबसे पहले मेथड जो है हमारा वो पे बैक पीरियड मेथड है। थोड़ा सा ओवरव्यू इसका कर लेते हैं। पे बैक पीरियड में हम ये देखते हैं जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में लगता है वो कितने साल में हमारा रिकवर होगा, ठीक है, उसके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हुए, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने किसी उसमें बिजनेस में किसी इन्वेस्टमेंट हमने किया है, हमने इन्वेस्टमेंट जो किया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो 10,000 का किया है, और एनुअली जो है वहां पे हमें 5,000 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हर साल 5,000 मिलेंगे, तो पहले साल हमें 5,000 मिले, दूसरे साल हमें 5,000 मिले, तो ये दो साल में हमारे ये जो है 10,000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो रिकवर हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे कि उसका पे बैक पीरियड कितना है, दो साल। तो जितने साल में हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है उसको हम बोलते हैं उसका पे बैक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पे बैक पीरियड जितना कम हो उतना बेटर है। अलग अलग तरह के हमारे जो है सिचुएशंस हो सकती है, कहीं पे बहुत जल्दी हमें पे बैक पीरियड चाहिए कि बहुत कम पे बैक पीरियड होना चाहिए, बहुत जल्दी हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाना चाहिए। ये वहां पे होता है कि जहाँ पे जो है ज्यादा ही डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है जिस बिजनेस का, बहुत जल्दी जल्दी उसके अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे मोबाइल में है, ठीक है, लैपटॉप में है, जो टेक्नोलॉजी वाले आइटम्स हैं उसमें जल्दी से जल्दी जो है हमारा रिटर्न जो है हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। इसी तरह से फैशन आइटम्स की एकदम से फैशन भी चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी चेंज होता है फैशन की। मान लो हमने कोई डिजाइन का किसी चीज का जो है हमने प्लांट लगाया है, ठीक है, हमने एक उसका वो बना लिया है कि उसको बोल सकते हैं डाई, ठीक है, कोई आइटम है, कोई टॉय है, उसकी हमने डाई बनाई है, ठीक है, और उसकी डाई बना करके जो है हमने वो टॉयज को बनाना शुरू किया है, बेचना शुरू करा है। तो जैसे नई एकदम से बच्चे बोर हो जाते हैं खेलते हुए, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो उसकी डाई बनाने में हमें जो पैसा लगा है, उसका जो प्लांट लगाने में या उसकी मशीनरी जो बनाने में सेटअप करने में जो पैसा लगा है, हम चाहेंगे वो जल्दी से जल्दी जो हमारा वो रिकवर हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावा कोई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें पे बैक पीरियड हमारा लंबा भी हो सकता है, कि जैसे सपोज करो हमें मिल्क की फैक्ट्री लगानी है, हमें मिल्क की कंपनी खोलनी है, उसमें जो हमने इन्वेस्ट किया है, तो मिल्क तो ऐसा है नहीं कि वो टाइम से जैसे अभी कुछ टाइम है 10 साल पहले जो मिल्क था अभी भी वही मिल्क है, उसमें कोई चेंजेस जो है नहीं आए हैं प्रोडक्ट में, तो वहां पे हमारा पे बैक पीरियड जो है वो लंबा हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम मतलब सिचुएशन बेस्ड हम देखते हैं पे बैक पीरियड कितना होना चाहिए, इंडस्ट्री बेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम फिर कंपेयर करते हैं जो भी हमने फिक्स किया हुआ है स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंपेयर करते हैं कि उससे कम है या उससे ज्यादा है। अगर पे बैक पीरियड हमारे जो उसका है अपॉर्चुनिटी का है, इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का है, तो उसका पे बैक पीरियड अगर हमारे स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड से ज्यादा होता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, अगर उससे कम होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या, अब इसमें जो है ये तो सिंपल हमने यहाँ पे देखा था कि इक्वल अमाउंट हमें मिल रहा है, ठीक है, और वो इक्वल अमाउंट जा करके वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा फ्रैक्शन में, ईयर में फ्रैक्शन में रिकवर होता है, जैसे सपोज करो ये 10,000 5,000 करके ना मिलते, हमें 3,000 करके मिलते, तो पहले साल में 3,000, दूसरे साल में 3,000, तीसरे साल में 3,000, चौथे साल में 3,000, ठीक है। तो
पहले 3 साल में तो हमारे कितने 9,000 रिकवर हुए हैं, और चौथे साल की बात आई तो वहां पे 12,000 हो चुके हैं। तो अब ये जो हमारा टाइम पीरियड है, पे बैक पीरियड, वो थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में कहीं पे है। तो हमें ये थर्ड ईयर से आगे है, तो अब हमें थर्ड ईयर का तो पता चल गया कि थर्ड ईयर से ज्यादा है, लेकिन फोर्थ ईयर से पहले है, तो हमें यहाँ पे वो कितने मंथ्स हैं वो कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि थर्ड ईयर के बाद हमें कितना बचा। तो पहले तो 3 ईयर्स तो हम रख लेंगे एज इट इज, उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड ईयर में हमारा कितना बचा है। थर्ड ईयर के बाद जो रिकवर करना है हमें वो 1,000 करना है, और थर्ड ईयर में कितना रिकवर हो रहा है, फोर्थ ईयर में कितना रिकवर हो पा रहा है हमारा, 3,000 रिकवर हो पा रहा है। ठीक है, तो एक 2B रिकवर्ड ऊपर रखेंगे, और कितना हमारा मिल रहा है उससे रिटर्न फोर्थ ईयर में, उसके मतलब जो ये 3 साल है उससे आगे कितना मिल रहा है उसको नीचे रखेंगे, और फिर उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो अगर हमें वो 12 में मंथ में निकालना है, अगर वो हमें मंथ्स में निकालना है तो हम यहाँ पे 12 रखेंगे, अगर हमें फ्रैक्शन में पॉइंट में निकालना है, डेसिमल में निकालना है, तो ये 12 नहीं रखेंगे। तो दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये डिवाइड किया तो ये 1/3 हमारा 0.333 आया, तो हमारा कितना 0.33 ईयर्स में जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो हमारा पे बैक पीरियड जो है वो 3.33 ईयर्स है। अगर हमें ये मंथ में निकालना होगा तो 12 यहाँ पर रखेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 मंथ्स आया, तो इसका मतलब 3 इयर्स 4 मंथ्स में हमारा वो रिकवर होगा। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, अगर हमें जो है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है हमारे पास उसको देखना है, तो हम अपने स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कंपेयर करना है कि कौन सा हमारे पास हमें बेस्ट रहेगा हमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम है। तो जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो दो तरीके हो गए, एक तो या तो जब हमारे पास सिंगल प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी है तो उसमें तो हम अपने स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड से पे बैक पीरियड ज्यादा है या कम है। अगर स्टैंडर्ड से पे बैक पीरियड कम होगा या स्टैंडर्ड के बराबर होगा तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड से ज्यादा अगर उसका पे बैक पीरियड है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरी सिचुएशन, जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें हम देखेंगे जो हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें सबसे कम पे बैक पीरियड किसका है उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब इन केस द कैश भी मैंने समझा दिया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे ये है कैश फ्लो, तो उसमें हमें क्या करना होता है, कम्युलेटिव निकालना पड़ता है। तो हमें जो डिफरेंट कैश फ्लोस दिए होते हैं उसमें कम्युलेटिव निकालना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये 3000 वाला, 3000 है, 3000 है, 6000, हमने टोटल कर लिया यहाँ पे 9000 हो गया। तो ये एक तरह से हमने यहाँ पे कम्युलेटिव ही कैलकुलेट किया था, और हमने डायरेक्ट 3 साल का यहाँ पे 9000 रख दिया, फिर उसके बाद ये 12000 कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में समझाने के लिए किया था, लेकिन जब हम इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो इसको कम्युलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे, तो पहले साल का हो गया, दूसरे साल का उसमें ऐड करके ये 10,000 हो जाएगा, तीसरे साल का 10,000 में ऐड करके 18,000 हो जाएगा। ठीक है, ये लैक्स है, सॉरी, तो तीसरे साल, चौथे साल का 10 लाख ऐड करके 18 लाख में 28 लाख हो जाएगा, फिर पांचवे साल का 14 लाख ऐड करके ये 42 लाख हो जाएगा। अब इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना बताया जा रहा है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5 ईयर्स, तो पे बैक पीरियड इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होता है, अच्छा 20 लाख का शायद है इसमें क्वेश्चन में, जो इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन का था 20 लाख, वही चीज हम यहाँ पे भी लिया है। तो इसका पे बैक पीरियड निकालने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 20 लाख का है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका 20 लाख का है। ठीक है, तो अब 20 लाख हमारे कहाँ पे रिकवर हो रहे हैं, ये 3 इयर्स के बाद हो रहे हैं, 3 इयर्स तक 18 लाख हो रहे हैं और फोर्थ ईयर में 28 लाख हो रहे हैं, तो इसका मतलब 3 और 4 ईयर के बीच में कहीं पर है। ठीक है, तो इसमें अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये तो 18 लाख तो हमारे यहाँ तक रिकवर हो गए, अब यहाँ पर हमें कितने और रिकवर करने बाकी है वो देखेंगे। हमारे पास कितने हैं टोटल इन्वेस्टमेंट रिकवर जो करना है वो 20 लाख रुपीज है। ठीक है, उसमें से कितना रिकवर हो चुका ऑलरेडी 3 इयर्स में, 18 लाख रुपीज रिकवर्ड हो चुका।
अब जो बचा है वो हमारे पास कितना बचा है, 2 लाख रुपीज जो है वो अभी रिमेनिंग है जो हमें फोर्थ ईयर में रिकवर करना है। और फोर्थ ईयर में हमें जो मिल रहा है टोटल वो कितना मिल रहा है, 10 लाख रुपीज मिल रहा है। फोर्थ ईयर में टोटल हमें कितना मिल रहा है, 10 लाख रुपीज मिल रहा है। तो इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, ठीक है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख कर देंगे। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके सारे जीरो जो है ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये 0.2 हमारा बचेगा। तो ये इसमें फ्रैक्शन में कैलकुलेट किया हुआ है। अगर यहाँ पर हमें फ्रैक्शन के बजाय इसको मंथ्स में कैलकुलेट करना होता तो इसको हम इंटू 12 और यहाँ पर कर देते, तो इंटू 12 करने के बाद जो है हमारा ये 2 मंथ्स कितना था, 2 बाई 10 इंटू 12, ठीक है। तो 2.4 मंथ्स हमारा ये निकल करके आता फिर, ठीक है। तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती, और उसको मंथ्स में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है इसको। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। सर जैसे मंथ के लिए इंटू 12 किया है, ऐसे डेज के लिए इंटू 365 करेंगे या एक मंथ के देखेंगे अकॉर्डिंग उसके, मतलब 30 डेज जैसे? इसमें हमें सिर्फ कंपेयर करना है। अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि डेज में कैलकुलेट करो तो हम डेज में कर लेंगे, अदरवाइज मंथ्स में भी जरूरी नहीं है करना, हम उसको पॉइंट में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सर। और कोई? अच्छा, ऑनलाइन क्लास में ये है कि अब हम कर तो मतलब कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा आप लोग को, मतलब क्वेश्चंस तो आप लोग का चेक नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन दे करके और फिर आपसे उसको सॉल्व करवा के आप आंसर मैसेज में कर सकते हो। तो बताओ करोगे सॉल्यूशंस? चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम ऑफलाइन क्लास हमारी करेंगे तो उसमें आप लोग जो है वो करके लाना, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग को उसमें क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर कोई डाउट होगा या आपके क्वेश्चंस चेक करने होंगे, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लास में सिर्फ आप लोग को समझा देता हूँ सारी चीजें। तो ये हो गया हमारा पे बैक पीरियड। अब इसमें अगला हमारा जो है वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारा दूसरा नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मतलब जो हमारा अकाउंटिंग की नजर में जो हमारा कैश इनफ्लो होता है वो हमारा रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न नहीं होता है, उसमें से हमें दूसरे एक्सपेंसेस को भी जो है वो माइनस करना होता है, ठीक है। जैसे कि नॉन जो के हमारे ऑपरेटिंग होते हैं लेकिन नॉन कैश आइटम्स, ठीक है। सपोज करो ये जो ऊपर हमारे जो इनकम्स हो रहे थे, रिटर्न्स आ रहे थे, इसमें तो हमने जो हमारे कैश एक्सपेंसेस थे वो माइनस कर चुके थे, लेकिन नॉन कैश आइटम्स जो है वो हमने माइनस नहीं किया, ठीक है। तो ये जो हमने ये कैश आउटफ्लो है इसको तो हमने कंसीडरेशन में लिया था, लेकिन नॉन कैश आइटम को हमने कंसीडरेशन में नहीं लिया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नॉन कैश आइटम जो है हमारा कौन सा होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट्स, ठीक है। तो वो नॉन कैश आइटम है, ठीक है। तो वो नॉन कैश आइटम को हमें मतलब अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना होता है। इसके अलावा जो हमें प्रॉफिट होता है उसके ऊपर हमें कुछ टैक्स भी देना पड़ता है। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट जो बचता है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचता है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्चुअल रिटर्न जो होगा वो अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको पैट बोला जाता है, या ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे अपना रिटर्न वो पैट के अकॉर्डिंग करेंगे, और यहाँ पर भी जो है हम डिस्काउंटिंग मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए वही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जो हमारा क्या होता है, रिटर्न्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट जो होता है, ठीक है, इनटू 100। तो अब यहाँ पे जो है इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, हम इसमें पूरा ओवरऑल पीरियड का रिटर्न नहीं देखेंगे, हम इसमें एनुअल
रिटर्न देखेंगे, ठीक है, कि सालाना एवरेज रेट, क्योंकि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो 3 साल की 2 साल की 5 साल की 10 साल की इकट्ठा नहीं करते हैं। अकाउंटिंग जो भी करना होता है वो हमें एक एक साल का वन ईयर के पीरियड की हम वहाँ पे अकाउंटिंग की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में जो है हम उसको कन्वर्ट करेंगे अपने टोटल रिटर्न को इन एवरेज रिटर्न, ठीक है, एवरेज रिटर्न जो कि हमारा एनुअल रिटर्न होगा। जैसे ऊपर वाला हमने कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट वाले में हमने किया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमने जो उसका रिटर्न कैलकुलेट किया था उसमें हमने उसको एवरेज नहीं किया था, उसका रिटर्न हमने टोटल ओवरऑल रिटर्न को लिया था कि पूरे 3 साल का प्रोजेक्ट है तो 3 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, 10 साल का प्रोजेक्ट है तो 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में जो हम कंसिडर करेंगे वो एनुअल रिटर्न को, या दूसरे वर्ड में कहा जाए तो एवरेज रिटर्न को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो बेस्ड होता है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के और रेट ऑफ रिटर्न के। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसमें हम एनुअलाइज्ड कर देते हैं अपनी नेट इनकम जो भी हमें अर्न हुई है, ठीक है, मतलब हम उसको एनुअल रेस्पेक्ट में देखेंगे कि सालाना एनुअली कितना हमें वो रिटर्न मिला है, ठीक है। और एवरेज फंड के ऊपर जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको भी हम एवरेज फंड करेंगे। जैसे हमने इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए, तो अब उसको हम 10 लाख 10 साल के लिए इन्वेस्ट करे हैं तो उसको हम एवरेज करेंगे, ठीक है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट पे एवरेज रिटर्न कितना मिला है तो उसका हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो एनुअल रिटर्न जो है किसी भी प्रोजेक्ट का वो परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करेंगे अपना नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट अब कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो वो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट का एवरेज करना हो, नेट इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट पर यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो हम अपने प्रॉफिट में से जो भी हमारे एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन है और टैक्स है वो सब चार्ज कर देंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में जो हमें रखना है एवरेज एनुअल प्रॉफिट रखना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट रखना है जो कि आफ्टर टैक्स वाला होगा, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो और नीचे क्या रखना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, तो इसकी भी कैलकुलेशन हमें सीखनी है, इसकी भी हमें कैलकुलेशन नीचे सीखनी है। अभी सिंपली ये फॉर्मूला याद रखो कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट यानी कि हमें क्या करना है, जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको एवरेज कर में लाना है, ठीक है, और वो भी कैसा होना चाहिए, आफ्टर टैक्स वाला होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट को भी हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को एज इट इज नहीं रखना, उसको भी एवरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली हमें ये शो हो रहा है कि ARR जो है वो मेजर होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के बेस पर रेदर देन द कैश फ्लो। कैश फ्लो के ऊपर बेस पे नहीं होता कितना कैश फ्लो आ रहा है, ये प्रॉफिट के बेस पर होता है, हमें कितना प्रॉफिट बच रहा है उसमें से, ठीक है। तो ये सिमिलर मेजर है रेट ऑफ रिटर्न की तरह कैपिटल एम्प्लॉयड पर, ठीक है, जो जनरली यूज किया जाता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म को चेक करने के लिए, ठीक है। इनकेस अगर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो प्रोजेक्ट इक्वल जनरेट कर रहा है हर साल, ठीक है, मान लो हर साल इक्वल रिटर्न हमें मिल रहा है, ठीक है, उस केस में एनुअल प्रॉफिट ही हमारा जो है वो एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि हमें 10 लाख रुपए हर साल रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, तो 10 लाख रुपए हर साल रिसीव हो रहे हैं तो जो हमारा उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके टैक्स माइनस करके जो हमारा एनुअल प्रॉफिट आएगा वही हमारा एवरेज प्रॉफिट है, वहां पे हमें एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम जो हमारा एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसी को कंसीडर कर लेंगे और एवरेज इन्वेस्टमेंट नीचे हम रख देंगे तो हमारा ARR कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर प्रोजेक्ट जो है हमारा एक्सपेक्टेड है कि अनइक्वल प्रॉफिट जनरेट करेगा, अनइवन स्ट्रीम्स ऑफ प्रॉफिट्स हमें मिलेंगे डिफरेंट ईयर्स में, यानी कभी 10 लाख मिल गए, कभी 18 लाख मिल गए, कभी 15, कभी 12 लाख मिल गए, तो फिर उसके बाद हम सबके जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करके उस प्रॉफिट को टोटल करके फिर उसका टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमें एनुअल प्रॉफिट्स को जो है टोटल एनुअल प्रॉफिट्स को जो है एवरेज करना होगा, यानी कि सारे एनुअल प्रॉफिट्स को जोड़ करके नंबर ऑफ ईयर जितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड करके कैलकुलेट करना होगा और उसके नीचे एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट को पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये और क्लियर हमें हो जाएगा इसके एग्जाम्पल से जो कि नीचे दिया हुआ है कि जैसे सपोज करो एक प्रोजेक्ट है वो हमें कितने का कॉस्ट करेगा, 40,000 रुपए का कॉस्ट करेगा,
ठीक है, यानी कि उसमें जो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा वो 40,000 रुपए का करना होगा, ठीक है, और उससे जो हमें स्ट्रीम मिलेंगे अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, कौन सा बता रहा है ये भी ध्यान में रखना है कि हमें वो बता क्या रहा है, वो हमें बता रहा है बिफोर डेप्रिसिएशन वाले बता रहे हैं, बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, तो जो भी हमारा डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट और टैक्स होता है वो हमें माइनस करना होगा। सपोज करो ये हमने जो है 40,000 रुपए अपने न लगा करके हमने इसके डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, ठीक है, वहां से पैसा आया है, तो एक तो हमें डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में उसका इंटरेस्ट भी हमें पे करना होगा, ठीक है, तो वो भी हमें फिर माइनस करेंगे, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हमें दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको शॉर्ट फॉर्म में EBDIT बोलते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है डिफरेंट ईयर्स का, और यहाँ पे अजम्पशन किया गया है टैक्स रेट हमारा 50% है, ठीक है, यानी कि 50% जो है हम टैक्स पे करेंगे, तो ये 50% क्यों दिया गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स की वैल्यू पर वो जो होता है रेट जो होता है वो ज्यादा होता है, 38%, 40%, 50%, जैसा हम जो इंडिविजुअल पे करते हैं जो इंटर टैक्सेस वो हमारा अलग रेट होता है, और कॉर्पोरेट के लिए टैक्स अलग होता है, तुम लोग ने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा पिछले साल, ठीक है, तो यहाँ पर 50% जो है वो टैक्स रेट जो है वो अज्यूम किया हुआ है, और डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन बेसिस पर है, ये भी तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उसमें एक रेट होता है हमारा, अगर सपोज करो 10% दिया हुआ है तो 10% कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, और अगर 20% दिया हुआ है तो इसका 20% कर देंगे, दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, तो तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी आ सकता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी आ सकता है, ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है किसी को डेप्रिसिएशन में तो वो जो है पूछ सकता है कि डेप्रिसिएशन के मेथड अलग अलग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, तो होपफुली के सबको जो है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आता होगा, तो अब यहाँ पे हमें कोई रेट नहीं दिया हुआ तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब हमें कोई रेट नहीं दिया होता वहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, उसका कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जो उसकी लाइफ खत्म होने के बाद कबाड़े में जो वो बिक जाता है, स्क्रैप में जो बिकता है वो वैल्यू, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक, कितने साल की उसकी लाइफ है, ठीक है, तो कॉस्ट, अब यहाँ पर जो है उसकी यूजफुल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, उसकी सैलवेज वैल्यू के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, बस हमें कितना पता है, हमें ये पता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो 40,000 है, और वो हमारा प्रोजेक्ट जो है कितने साल का है, 5 साल का है, ठीक है, 5 ईयर्स की बात हो रही है, तो ये 5 ईयर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे जो इसकी प्रोजेक्ट इसमें जो हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कॉस्ट जो आ रही है प्रोजेक्ट की 40,000, ये हमारी 5 ईयर तक ही वैलिड है, यानी कि 5 साल के बाद इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक, क्योंकि इसमें कोई सैलवेज वैल्यू भी नहीं दी है, ठीक है, तो कॉस्ट कितना 40,000, सैलवेज वैल्यू जो है नील है तो माइनस नहीं करेंगे, लाइफ 5 ईयर्स है तो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमारा आ जाएगा वो 8,000 आ जाएगा, ठीक है, तो और स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब हर साल जो है वो 8,000 डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, और इसका जो कैश फ्लोज हमें डिफरेंट दिया हुआ है, पहले साल का 10,000, दूसरे साल का 12,000, तीसरे साल का 14,000, चौथे साल का 16,000 और पांचवें साल का 20,000 दिया हुआ है, तो अब हम इसको एक टेबल फॉर्म में हम रखेंगे, तो यहाँ पर पहले रखेंगे EBDIT जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है डिफरेंट 4 ईयर्स का, अच्छा ये टेबल में इन्होंने जो है फिर गड़बड़ी कर दी है, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 20,000, ठीक है, 16,000 के बाद 20,000 को जो है वो शो ही नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 और हम रख देते हैं, ठीक है, 5th ईयर का, तो अब ये हर साल का जो है EBT, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स, जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो इसमें से हमारा ये बचा, अब टैक्स माइनस नहीं हुआ है, अब अर्निंग बिफोर टैक्स ये आ गया है, तो इसमें से 8,000 माइनस करके, ठीक है, डेप्रिसिएशन के ये हमारे 2,000 बचा है, यहाँ पे 8,000 माइनस करके डेप्रिसिएशन के 4,000 बचा है, यहाँ पे 8,000 माइनस करके 6,000 बचा है, यहाँ पे 8,000 माइनस करके 8,000 बचा है, और यहाँ पे 8,000 माइनस करके 12,000 रुपए बचा है, ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो आफ्टर टैक्स कब आएगा, टैक्स माइनस करके, टैक्स रेट हमारा 50% है तो इस पे 50% माइनस करेंगे, इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसका जो ईबीटी इंटू 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स,
ठीक है, तो 0.5 है टैक्स का रेट, माइनस करेंगे 0.5 आएगा, तो 0.5 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, हमें टैक्स निकाल के टैक्स कैलकुलेट करके माइनस करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सपोज करो अगर 40% होता टैक्स हमारा, तो 1 माइनस टैक्स कितना आता, 0.6 आ जाता। 1 माइनस अगर 40% टैक्स का रेट होता तो 0.4 हो जाता, तो 1 माइनस टैक्स की वैल्यू कितनी आती, 0.6 आती। 0.6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते ईबीटी से, ठीक है, इससे डायरेक्ट 0.6 से मल्टीप्लाई करके हमारा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता। यहाँ पे हमारा 50% है, तो हमने 1 माइनस 0.5 माइनस किया तो वो हमारा 0.5 ही आया। तो अब सबको हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये 1000 आया, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 आया, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई किया 3000 आया, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई किया 4000 आया, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। अब इसको हमें क्या करना है, ये डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाया है, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया था। तो अब हमें इसको क्या करना है, हमें ऊपर फॉर्मूले में दिया हुआ था, ऊपर हमें लेना है एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यानी के जो हमें डिफरेंट ईयर्स के जो प्रॉफिट निकले हैं उनको एवरेज करना है। ठीक है, अब उनको एवरेज करने के लिए डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट को टोटल करेंगे, तो ये हो गया हमारा 1000, 3000, 3, 6000, 6 और 4, 10000 और 6000, 16000। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो 16000 है। अब इसको एवरेज करने के लिए कितने साल का प्रॉफिट है, ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है 16000 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3200। ठीक है, 5 से 15 टू 10 5 टू द 10, और ये 3200 जो है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो अब हमें एवरेज प्रॉफिट पता चल गया और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें पता है 40,000 है। अब हमें इसमें रखना है नीचे, तो ऊपर वाला पोर्शन फॉर्मूले का हमें पता चल गया आफ्टर टैक्स एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें नीचे रखना है एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले साल हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो कितना था, यहाँ पे रखें इन्वेस्टमेंट, पहले साल जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो कितना था, 40,000 था। ठीक है, इस पर डेप्रिसिएशन लगा तो अगले साल के लिए इसकी वैल्यू कितनी बची, 32,000 बची। फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लगा 8,000, अगले साल के लिए इसकी वैल्यू कितना बची, 24,000 बची। ठीक है, फिर 8,000 डेप्रिसिएशन लगा, फिर इसकी वैल्यू कितनी बची, 16,000 बची। ठीक है, फिर एक और बार डेप्रिसिएशन लगा, फिर इसकी वैल्यू कितनी बची, 8,000 बची, और लास्ट में इसकी वैल्यू हो गई डेल। ठीक है, तो इसको एवरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको इसकी जो बिगिनिंग वाली प्राइस है इनिशियल जीरो वाली, ठीक है, जो जीरो ईयर में जो हमने इन्वेस्ट किया था 40,000, ये एक एक हमें ऊपर लाना पड़ेगा, ये जीरो में इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, एट द एंड ऑफ, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। ठीक है, ये वैल्यूज क्या है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, और एंड ऑफ द ईयर्स क्या होंगी, यहाँ पे 32,000, यहाँ पे मतलब ये एक एक वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर जीरो होगी। ठीक है, तो हर साल जो हमें यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, हर साल यूज हो रहा है 8,000 यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको एवरेज करने के लिए इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इसका लास्ट में वैल्यू कितना बचा है उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो कभी भी हम करेंगे जो उसका हमारा क्या होगा, जो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा प्लस उसका जो लास्ट जो वैल्यू बचेगी उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट या वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, इन द बिगिनिंग को प्लस एट द एंड को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो वो हमारा एवरेज वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आया कि साल के शुरू में हमारी वैल्यू 8,000 थी, वो 40,000 थी, 8,000 डेप्रिसिएशन लगा, एंड में 32,000, ऐसे करते 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 लास्ट में उसकी वैल्यू बची जीरो। तो शुरू में कितनी थी 40,000 और लास्ट में कितनी है जीरो, तो दोनों को प्लस करेंगे और फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा वो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो हमारा 3,200 तो हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट आया है,
और 20,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट आया है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16% हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ गया है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है? जिसको डाउट है वो अपना हैंड रेज करे। किसी की आवाज नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है सब मोबाइल रख के भाग गए। अच्छा पूछो क्या डाउट है इरम। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है सिंपली जो है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है और लास्ट में उसकी वैल्यू कितना बची। ठीक है, अगर इसका कोई सैल्वेज वैल्यू हमारे पास होता, अगर इसका कोई सैल्वेज वैल्यू हमारे पास होता तो उसको और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते। ठीक है, और उसको डिवाइड बाय हम 2 कर देते तो हमारा वो आ जाता। ठीक है, सिंपली इसके लास्ट में इसकी वैल्यू 0 बच रहा है और शुरुआत में इसकी वैल्यू जो है वो 40,000 था, तो उसी को हमने ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया है तो वो एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारा आ गया। बिगिनिंग में 40,000 था और हर साल डेप्रिसिएशन माइनस किया, एंड में 0 है, तो जब एंड में 0 वैल्यू बचता है तो उसको हम जो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट की वैल्यू इन द बिगिनिंग जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू इन द बिगिनिंग और वैल्यू एट द एंड जो हम प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में उसकी वैल्यू क्या बचेगी वो रखेंगे। तो यहाँ पे शुरू में जो बच रहा था वो हमारा 40,000 था जो हमने इन्वेस्ट किया था, लास्ट में जो बचेगा वो 0 है, इसकी कोई सैलवेज वैल्यू इसमें नहीं बताई हुई है या उससे कोई भी हमें जो है रिटर्न उसको बेच करके नहीं बताया हुआ है, तो सिंपली हम उसको 0 रख देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी है नीचे और क्लियर हो जाएगा ये चीज का हमारा। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट हो? एरम क्लियर है? बाकी लोग कुछ भी डाउट हो? टैक्स रेट का मैंने ये बताया था, ये क्लियर है कि हमें ये कैसे कैलकुलेट किया ये आइटम? यहाँ पे तो हमें सिंपल 50% दिया था तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ये 50% ना दे करके कुछ और परसेंटेज यहाँ पे होती तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते? ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि हम पैट ईबीटी को जो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1-T से। ठीक है, और टी क्या है? टैक्स का रेट है। ठीक है, 50% है तो ये 0.5 हो गया, और ईबीटी जो है वो तो हमने कैलकुलेट कर ही चुके हैं जब हम इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। यहाँ पे अगर हमारा इंटरेस्ट भी होता तो वो भी माइनस करते जैसे डेप्रिसिएशन माइनस किया। ठीक है, तो ईबीटी जो निकल के आता है टैक्स, उसको डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1-T से। तो यहाँ पर टी 50% था तो इसलिए वो जो है सीधा सीधा 50% हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर ये 35% होता तो क्या करते? ठीक है, टैक्स का रेट अगर 35% होता तो इसको कैसे कैलकुलेट करते? ईबीटी को हम मल्टीप्लाई करते 1-0.35 से, तो ईबीटी को हम मल्टीप्लाई करते इससे 0.65 से। तो यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको हम 0.65 से मल्टीप्लाई कर करके हमारा ये वैल्यू आ जाता। ठीक है, क्लियर है ये चीज? या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक कॉलम में टैक्स ही कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो टैक्स कैलकुलेट किया हमने सबके लिए, हर इन्वेस्टमेंट का टैक्स कैलकुलेट किया, हर रिटर्न का, तो
50% कैलकुलेट कर लो, जितना भी 30% है 30% कैलकुलेट कर लो, 35% है 35, 40% है 40%, ठीक है। तो यहाँ पे 50% टैक्स कैलकुलेट किया, कितना आया 1000, इसका 50% 2000, इसका 50% 3000, इसका 50% 4000, इसका 50% 6000, और फिर इसमें से जो है ये माइनस कर दिया, एंड ये माइनस ये इज इक्वल टू ये माइनस ये इज इक्वल टू ये माइनस ये। तो दो तरीके, एक तो या तो तुम पहले टैक्स कैलकुलेट कर लो, फिर उसे टैक्स को उसमें से ईबीटी में से माइनस कर दो, तो तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। या दूसरा तरीका, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी भी बोला जाता है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू वन माइनस टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी लगा करके डायरेक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर पहले टैक्स कैलकुलेट करो और फिर ईबीटी में से टैक्स को माइनस कर दो, तो वो हमारा पैट आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब इसमें और किसी चीज में जो हमें हमने कैलकुलेट करनी है, उसमें किसी और चीज में डाउट? हमने इसमें एक देखा कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की लाइफ ली जाएगी, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, सेल्वेज वैल्यू इसमें कुछ बताया नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट कॉस्ट को जो है वो 5 से डिवाइड किया हुआ है। या अगर यहाँ पर परसेंटेज दिया होता 10%, 20% या 25%, सपोज करो 20% दिया होता तो 40,000 को हम 20% से मल्टीप्लाई कर देते तो वो हमारा 8,000 आ जाता और एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा 8,000 हम लगा देते, ठीक है। या फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड की बजाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दिया होता, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उसका नाम होता है, वो दिया होता तो फिर हमें हर साल का जो है डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए, जिसमें इन्होंने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लगा है जीरो ईयर में वो 90,000 लगा है, तो इसको इन्होंने माइनस में रखा है। फर्स्ट ईयर में जो सेल रेवेन्यू हुआ है 1,20,000 रुपए सेल हुई है, सेकंड ईयर में 1,00,000 की सेल हुई है, थर्ड ईयर में 80,000 की सेल हुई है। जो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए हैं वो 60,000 के आए हैं, 50,000 के आए हैं, 40,000 के आए हैं, और डेप्रिसिएशन जो कल लगा है इन्होंने इसी डेप्रिसिएशन को, इसी वैल्यू को जो है 90,000 को 3 सालों में बांट दिया है, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोजेक्ट ये 3 साल का है तो यहाँ पे भी इसकी लाइफ इन्होंने 3 ईयर्स ही मानी है, तो उसी वैल्यू को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो 30,000 जो है उसका डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। तो डेप्रिसिएशन हो गया 30,000, 30,000 और 30,000, और जब हम इन दोनों एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और डेप्रिसिएशन को जब हम सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमारा जो एनुअल इनकम बचेगा वो 30,000 बचेगा, यहाँ पर 1,00,000 में से दोनों को माइनस करेंगे तो 20,000 बचेगा, यहाँ पे 80,000 में से माइनस करेंगे तो 10,000 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पे जो है टैक्स रेट यहाँ पर गिवन नहीं है तो टैक्स रेट को यूज नहीं करेंगे, टैक्स रेट हम अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन में बताया होगा तभी हम टैक्स रेट को लगाएंगे। तो इसमें जो है एग्जाम्पल में टैक्स रेट की कोई बात नहीं है तो टैक्स को लगाया नहीं जा रहा है, तो डायरेक्ट जो है एनुअल इनकम 30,000, 20,000 और 10,000 को कंसीडर किया गया है। तो पहला काम एवरेज एनुअल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो तीनों साल की इनकम्स को ऐड करेंगे और 3 ईयर्स की इनकम है 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज एनुअल इनकम 20,000 आ जाएगी। एवरेज नेट बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि लगातार इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और 3 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फर्स्ट बिगिनिंग की वैल्यू माइनस उसकी एंड की वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इन्होंने 2 से डिवाइड किया है तो 2 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऊपर भी हमने 2 से डिवाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजों के बीच में बिगिनिंग वैल्यू और एंड वैल्यू के बीच में एवरेज निकाल लेते, इसलिए 2 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइड नहीं है, 3 से जब डिवाइड करते हैं जब तीनों साल की हम वैल्यूज को ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये यह हमारा 45,000 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर कभी कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ पे हमें कभी गलती से 3 ही रख दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 वैल्यूज का एवरेज निकाल रहे हैं, तो वैल्यू का एवरेज निकाल रहे हैं तो इसमें 2 आएगा, 3 वैल्यू का एवरेज निकालते हैं तो 3 आता है, 4 का एवरेज निकालते हैं तो 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट का निकाल रहे हैं, तो उसके बाद
इसको कैलकुलेट कर देंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को 20,000 upon 45,000। अब ये यहाँ पे इन्होंने माइनस में रखा हुआ है तो जरूरी नहीं है इसको माइनस में रखना, ये प्लस में रखा जाएगा। तो इनटू 100 कर देंगे तो 44% हमारा आ गया है। अब इसको एक्सेप्टेंस रूल और रिजेक्शन रूल क्या होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का जो क्राइटेरिया होता है वो हमारे प्रोजेक्ट के इंडस्ट्री के ऊपर होता है। जितना ज्यादा ARR होगा उतना हमारे लिए वो बेस्ट होगा। अगर 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिसका सबसे ज्यादा आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जिसका कम आएगा उसको रिजेक्ट, बाकी सबको हम रिजेक्ट कर देंगे। या फिर हमारा इंडस्ट्री एवरेज क्या है कि उस इंडस्ट्री में कितना हमें मिल रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये हमारा हो गया ARR। अब हमारा ये हो गया नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कंप्लीट, पे बैक पीरियड भी हो गया और ARR भी हो गया। ARR में अब लास्ट मैं पूछ रहा हूँ, ये लास्ट टाइम कि किसी को डिस्काउंट हो वो मतलब कोई पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो। तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक में जो है हमारा पहला वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हम क्लास में कर चुके हैं। उसमें बस क्या किया जाता है कि जो है हमारा कैश फ्लो हो रहा है डिफरेंट पीरियड्स में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसमें से इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद हमारी जो वैल्यू बचती है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू बचती है। अगर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी जीरो या जीरो से ज्यादा आती है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करते हैं। मतलब अगर जीरो से कम आती है नेट प्रेजेंट वैल्यू तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के तरीके वही है जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़े थे, उससे कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि कंपनी प्रोजेक्ट न्यू शुरू कर रही है जिसका इनिशियल आउटले जो है वो 12,500 रुपए है और कंपनी ने जो फोरकास्ट किया है आफ्टर ऑल अदर चार्जेस, सारे चार्जेस के बाद वो ये किया है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमें 12% पर कैलकुलेट करनी है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है। तो इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के हिसाब से 12% PVIF वैल्यू से देखेंगे। PVF सिंपल जो हमने पढ़ा PVF फैक्टर 12% पर देखेंगे। फर्स्ट ईयर की बात हो रही है तो एक साल के लिए, टू इयर्स की बात हो रही है तो टू इयर्स में देखेंगे, थ्री इयर्स की बात हो रही है थ्री इयर्स में, फोर इयर्स की बात फोर्थ ईयर में, ठीक है। तो इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, सबकी प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ जाएगी और फिर उसका सम कर देंगे सबका और उसमें से जो इनिशियल आउटले है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारा आता है ये। तो अब यहाँ पे 4,266 आई है जो कि पॉजिटिव है, जीरो से ज्यादा है तो ये प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और अगर हमारे 2-3 प्रोजेक्ट हमें कंपेयर करने हैं कि 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं उनको कंपेयर करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है। जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज बाकी सबको जो है रिजेक्ट किया जाता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब जो है हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा गैप लेते हैं और उस गैप में आप लोग की जो है अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक स्क्रीन दिखाता हूं, चलिए यही स्क्रीन है, इसमें आप लोग भी जो है अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट ऐसे लेना है कि उसमें आपकी भी पिक्चर हो जो उसका फ्रंट कैमरा है वो ऑन करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक लेकर के दिखाता हूँ कि किस तरह से आएगा।
अपना स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में भेज रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को भी जो है भेजना है।